लोग एम्बिएंट लाइटिंग बाहर से लगवाते हैं भाई, जरूरत ही नहीं है, कंपनी ने दे दिया इतने कलर चेंज, फुल हो रहा है क्योंकि गर्मी पूरी है इस टाइम भाई, बाहर करीब 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, लेकिन 37 है, डोम भी सही है, कंफर्ट है भाई गाड़ी में, क्योंकि पुरानी वाली वरना भाई ये नहीं बैठ पाता जितनी इसकी हाइट है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई कैसे हो सारे के सारे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। आज हमारे सामने एक बार फिर से फ्रेम में वरना 2023 वाला मॉडल 1.5 टर्बो में DCT में। अब ये गाड़ी इस टाइम इतनी हाइप में चल रही है ना भाई कि हमने सोचा चलो और वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे देंगे व्यूअर्स को। तो आज हम 10 पॉजिटिव बताएंगे आपको इसके, 10 पॉजिटिव, एक और आएगी वीडियो जिसमें 10 नेगेटिव बताएंगे, तो उनके बिहाफ पे आप जज कर सकते हो गाड़ी भाई आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब ये पॉइंट्स मैं पहले ही बता दूं, हमारे पर्सनल उसके हिसाब से हैं, अब इसमें भाई हेट मत देने लग जाना। पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप शेयर करेंगे। हाँ, जो हमारे 10 पॉजिटिव हमें लगते हैं, हमने 10 नेगेटिव हमने छाट के रखे हैं, तो वो इस वाली वीडियो में 10 पॉजिटिव, नेक्स्ट में 10 नेगेटिव। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव है भाई ये 1.5 टर्बो DCT में, तो भाई वो है इसकी पावर। तो मैं जतिन कहूँगा भाई इसका एक बार बोनट खोलो, जो इसका भाई इंजन है जो मेन हाइप चल रही है इसकी, वो फॉक्सवैगन वर्टिस के साथ। कुल मिला के बात तो वही है ना कि इस बार हुंडई ने पावर में बहुत बढ़िया काम करा, 160 PS की पावर देती है भाई ये, जबकि वर्टिस देती है 150 PS की पावर। तो भाई सबसे पहला पॉजिटिव यही लगा इसकी पावर, अगर आपको पावरफुल एक सेडान चाहिए तो भाई आप 1.5 टर्बो आग बंद करके उठा लो इसका। इसमें हमने पहला पॉइंट में ये कवर किया भाई। तो भाई दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है भाई इसके रियर लुक्स। फ्रंट लुक की बात हम नेगेटिव में करेंगे, तो अभी फिलहाल चलते हैं इसके रियर लुक पे, जो कि इसका बहुत अट्रैक्टिव भाई है। ये मेन लुक है फ्रंट लुक में भाई, देखो मिक्स रिव्यू आ रहे हैं, एक बार मैं इसको बोलूंगा लाइट ऑन करे, जो इसकी कनेक्टिंग लाइट है ये वेन्यू में भी इन लोगों ने हुंडई ने यही वाला लुक दिया, लेकिन वरना में ज़्यादा सूट कर रहा है भाई ये दिए, ये इसकी पूरी लाइट है भाई ये देखो। एक बार रिवर्स घेर पे डालिए जरा इसको, ये पूरा जो इसका सेटअप है भाई, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड LED है, ये पूरी LED है, कनेक्टिंग लाइट है, और यहाँ पे आपको रिवर्स मिलता है। एक बार इंडिकेटर रोड चलाइयो, ये इसका इंडिकेटर मिलता है इस तरह का। तो भाई रियर लुक बहुत ज़बरदस्त, तो ये हमने इसको सेकंड पॉइंट में कवर किया है वरना की रियर लुक्स। अब पर चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, इसके थर्ड पॉइंट की तरफ जो है भाई इसका बूट स्पेस। अब हम इसको होल्ड करके रखेंगे, चाहिए तो स्टार्ट, ये खुल गया इसका बूट भाई, सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस आता है भाई इसमें, जो कि हमारी वर्टिस और होंडा सिटी से भी ज़्यादा है भाई, बहुत अच्छी खासी स्पेस है ये। देखो यहाँ पे आप अगर किसी फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, चार लोगों की ट्रिप है, चल ज्यादा अच्छा खासा सामान आ जाएगा, अच्छा सामान आ जाएगा आपका, मतलब आपको आगे सामान रखने की जरूरत नहीं, आपके बूट में अच्छा खासा सामान आ जाएगा। इसमें पूरा स्पेस है भाई बूट में, कोई लाइट तो नहीं, लाइट है भाई ये री, बूट में भी लाइट है ये री। तो ये है भाई इसका बूट स्पेस, बहुत इस बार भाई कमाल कर दिया इन्होंने स्पेस मैनेजमेंट में, तो जबरदस्त। तो ये इसके तीन पॉइंट बन जाते हैं भाई। अब बढ़ेंगे इसके चौथे पॉइंट की तरफ, अब एक बार एंट्री करते गाड़ी में ना, कितना प्रीमियम इंटीरियर है भाई इस बार, ये पूरी इसमें दो स्क्रीन दिए इन लोगों ने, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये पूरा इंटीरियर, ये इसका भाई सबसे ज्यादा इसका अट्रैक्टिव यही है, जो ये ऐसे बदल जाता है, सॉरी यहाँ से बदलता है। तो ये भाई ये इसका पूरा प्रीमियम इंटीरियर है इस बार, इंटीरियर में भाई इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, कहीं से कहते कोई कह ही नहीं सकता। और इसमें ये देखो एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये भाई ये इसका बन जाता है एक अगला पॉइंट, इंटीरियर फुल प्रीमियमनेस है भाई गाड़ी में, कहीं से कहीं तक आपको ये नहीं लगेगा कि आप प्रीमियम गाड़ी में नहीं बैठे हो। इस प्राइस रेंज में बेस्ट इंटीरियर लगता है मुझे तो अब तक, ये बाकी सबकी अपनी चॉइस हो सकती है, इस सेगमेंट में ये बेस्ट इंटीरियर है जो ये हुंडई ऑफर करती है। फीचर आता है इसका भाई एम्बिएंट लाइटिंग का भाई, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने, यहाँ तक आपको पता नहीं, मैं क्लिप डाल दूंगा, वैसे तो दिख रही है या नहीं ये देखो, अगर दिख रही हो तो ये पूरी कलर्स भी चेंज हो जाते हैं इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप कोई भी कलर इसमें चेंज कर सकते हो, कई बार चेंज करके क्या पता थोड़ा थोड़ा दिखे। हाँ जी दिख, जैसे मैं ये करता हूँ येलो हो गया, येलो हो गया, तो भाई ये रात थोड़ा सा दिख जाएगा, रुक जाओ मैं करता हूँ ब्लू आपको शायद चेंज होता दिख रहा है, ब्लू और येलो देखो, ब्लू हो गया, अभी देखना अभी येलो हो जाएगा, ये हो गया येलो है ना, ग्रीन देखो ये ग्रीन हो गया, हाँ हो रहा है भाई, और एक पर्पल देख लो, काफी अच्छे अच्छे कलर भाई इसमें मिलते हैं, और हम कस्टम कलर भी कर सकते हैं भाई, ये देखो ये पूरा सिस्टम है, ये कोई सा भी कर ले भाई, ये तो इसका बहुत ही पूरे अच्छा कलर्स है भाई, मतलब आपको एक तरीके से प्रीमियम फील मिल जाएगी रात के समय जब आप जा रहे हो। लोग एम्बिएंट लाइटिंग बाहर से लगवाते हैं भाई, जरूरत ही नहीं है, कंपनी ने दे दिया इतने कलर चेंज कर लो, इतनी अच्छी चीज दे दी कंपनी ने, तो भाई ये इसका एक अगला पॉजिटिव बन जाता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है भाई इसमें स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट में अगर बात करें ना भाई,
तो आप ये देखो ना, अच्छा इन लोगों ने ऑप्शन दिया, आप ये हटा सकते हो यहाँ से और पूरा स्पेस बन जाता है। जबकि यहाँ पे कई गाड़ी में ना प्रॉब्लम रहती है, एक मोबाइल यहाँ रख दिया तो स्पेस ही नहीं बचता। आप ये जितना मर्जी सामान रख लो, ये हटा के रख लो, तो इधर भी अच्छा खासा स्पेस दिया इन लोगों ने, इधर भी दिया इन्होंने स्पेस, इधर भी दिया है तो स्पेस इस बार अच्छा दिया। और बोतल होल्डर भी इन लोगों ने अच्छे दिए हैं, जो भाई जतिन भाई को पसंद है। भाई बोतल होल्डर तो मेरा फेवरेट है, देखो यहाँ पे आराम से कोई भी बोतल रख सकते हैं, वरना हमें दिक्कत आती थी। स्कॉर्पियो तो बहुत आती है दिक्कत यहाँ, तो मतलब इस बार Hyundai ने स्पेस मैनेजमेंट अच्छा काम करा है, तो हमने ये सोचा है आप ये इसको पॉजिटिव में कवर करते हैं। बढ़ते अगले पॉजिटिव तरफ, जो है इसका एडास। एडास भाई, एडास लेवल 2 मिलता है इसमें, जो कि हमारी एस्टर में आता है, तो मैं आपको उसके भी फीचर दिखा देता हूँ। ये ड्राइव असिस्टेंस भाई, पूरे एडास के फीचर आते हैं, ड्राइव कन्वीनियंस, ड्राइव सेफ्टी और ये अटेंशन वार्निंग, पार्किंग सेफ्टी, पूरे फीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, सारे फीचर हैं एडास के। अब भाई इसमें सबसे बड़े फीचर, अब गर्मी भाई, गर्मी में तो हो जाता बुरा हाल, ये हमें मिलते हैं वेंटिलेटेड सीट्स भाई, दोनों ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड, ये पूरे हमें तीन मोड मिलते हैं इसमें, 1, 2, 3। और सबसे अच्छी बात हीटेड सीट भी है भाई, जो कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती। कूलिंग तो करती है ऑफर, लेकिन हीटेड तो सीट अगर आपको सर्दी में आप जा रहे हो कहीं, हाँ पहाड़ों पे जा रहे हो या पहाड़ों पे तो कहीं से क्या ही जाएंगे, हाँ फिर भी, लेकिन जैसे अब कई बार होता है भाई ठंड ज्यादा है, तो आप हीटेड सीट भी यूज कर सकते हो। तो भाई ये इसमें बहुत पॉजिटिव फीचर भाई, हमें फील हो रहा है क्योंकि गर्मी पूरी है इस टाइम भाई, बाहर करीब 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, लेकिन 37 है आज, हाँ लेकिन अच्छा खासा भाई, हाँ हो रहा है, मजा आ गया भाई। वेंटिलेटेड सीट बड़ा कमाल का फीचर, पहले हमें लगता था भाई ये यूजलेस है फीचर, लेकिन अब गर्मी को देखते हुए ना, हमारी दोनों गाड़ी ना, हमारी एस्टर में ना हमारी स्कॉर्पियो में, लेकिन इसमें भाई मजा आ रहा है बैठ के, मजा आ रहा है भाई, जन्नत का फील हो रहा है। हाँ तो भाई ये है इसका कमाल का फीचर। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगला फीचर है भाई इसमें 8 स्पीकर बोस का सिस्टम है भाई, ये बोस की ब्रांडिंग है, तो मैं जतिन को कहूंगा म्यूजिक प्ले करे, वो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक साउंड। आपको किसी और चीज की नीड है ही नहीं भाई। तो भाई ये इसका एक अगला पॉजिटिव बन जाता है। अब बढ़ेंगे आगे। अब भाई पुरानी वाली जो वरना थी ना, उसमें बहुत शिकायत थी भाई लोगों को रियर सीट कम्फर्ट की, तो एक बार रियर में चलते हैं, गाड़ी को हम कर देते हैं ऑफ। मैं जतिन को बोला हूँ भाई, क्योंकि इसकी हाइट लंबी है, इसको हम जरूर टेस्ट कराते हैं इससे हमेशा। ये देखो भाई हाइट अच्छी खासी है इसकी, लेग रूम इसे मिल रहा है, देखो नी रूम भी सही है, हेड रूम भी सही है, कंफर्ट है भाई गाड़ी में, क्योंकि पुरानी वाली वरना भाई ये नहीं बैठ पाता जितनी इसकी हाइट है। उस हिसाब से इसमें दिक्कत है, राजा वाली फील है क्या? आप एक दो जने तो आराम से इतने चौड़े चौड़े आराम से आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो, और सेडान के तो भाई कंफर्ट लेवल अलग ही होता है भाई। ये बात तो है, बढ़िया। तो भाई ये इसका सीट कंफर्ट बन जाता है आखिरी पॉइंट भाई। कुल मिलाकर ये थे 10 पॉजिटिव पॉइंट न्यू वरना 2023 के। ये हमारे पास DCT था, 1.5 टर्बो में था। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इसके नेगेटिव की बात करेंगे। चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।